लाल सागर में यमन के हूती ने इस कदर खौफ फैला रखा है कि अब उसके आगे दुनिया की सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका भी फेल होता हुआ दिख रहा है। वो इसलिए कि लाल सागर में हूती ने पहले तो अमेरिकी मालवाहक जहाजों और युद्धपोतों को निशाना बनाया और अब हूती के निशाने पर अमेरिका के करोड़ों डॉलर के वो ड्रोन हैं जिनका दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन की, जिसे लेकर हूती का कहना है कि उसने 21 मई 2024 को लाल सागर में अमेरिका का 7वां MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया है। अगर ये बात सच साबित होती है तो एक हफ्ते में ही ये दूसरा ड्रोन होगा जिसे हूती ने मार गिराया है। इससे पहले 17 मई 2024 यानी कि ठीक 4 दिन पहले ही हूती ने मारी प्रांत के ऊपर MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया था। इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कथित ड्रोन का मलबा दिख रहा था। और अब हालिया अटैक को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी का कहना है कि बायदा प्रांत के हवाई इलाके में इस ड्रोन को मार गिराया है। نجحت قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحه اليمنيه وبعون الله تعالى في اسقاط طائره امريكيه نوع MQ-9 اثناء تنفيذها مهام عدائيه في اجواء محافظه البيضاء وقد تم استهداف الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع وسيتم توزيع مشاهد الإسقاط لاحقا بإذن الله. वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में कमान संभाल रही अमेरिकी सेंटकॉम ने इस पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी है। आपको बता दें कि अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत करीब 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। बड़ी बात यह है कि ये ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और इसमें 24 घंटे तक हवा में उड़ान भरने की ताकत है। ये ड्रोन एक बार में 450 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिरी बार 17 मई 2024 से पहले 27 अप्रैल 2024 को हूती ने अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया था। उस वक्त ये ड्रोन यमन के सादा प्रांत में उड़ान भर रहा था और इससे पहले नवंबर 2023 में यमन के तट पर हूती ने MQ-9 ड्रोन को मार गिराया था और इसके बाद फरवरी 2024 में भी हूती ने लाल सागर में अमेरिका के रीपर ड्रोन को मार गिराया था। और इन आंकड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को लाल सागर में हूती के खिलाफ लड़ना बेहद ही महंगा पड़ रहा है, क्योंकि हूती बार बार उसे करोड़ों डॉलर की चपत लगा रहा है।